अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः यहां पर 3 और वह 2 है। यानी कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जेरोक्स आर -3 एंड 2। यानी कि यहां पर जेरोक्स प्रोडक्ट आप और सम दोनों दे रखा है, गुणनखंड और योगफल दोनों के शून्य दे रखे हैं -3 और 2। यानी कि यहाँ पर द्वि इक्वेशन निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात बहुपद निकालना है। तो आसान ट्रिक और आसान विधि में हम सोल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर सोल्व, यहाँ पर गिवन डेट यानी दिया है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा मतलब यहाँ पर दिया है -3 और अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर दे रखा है 2। यानी यहाँ पर फार्मूला हम फार्मूला से हम करेंगे यहाँ पर। तो फार्मूला है यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जेरोक्स एक्स और प्लस यहाँ पर आया है अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। यानी आपने यह फार्मूला आपने याद किया तो आसान ट्रिक और आसान शॉर्टकट ट्रिक में आप इक्वेशन निकाल सकते हो। यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर 3 दिया गया है, तो ये माइनस का 3 और ये एक्स प्लस तो प्लस और यहाँ पर इसका मान दे रखा है 2, तो ये 2 इक्वल 0। यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3x हो तो 3x और प्लस का 2 इक्वल 0, यह आपका आंसर। यानी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आसान ट्रिक है। यहाँ पर आपको आसान फार्मूले द्वारा भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जेरोक्स यानी शून्यों का योगफल और एक्स प्लस और शून्यों का गुणनखंड यानी सम ऑफ जेरोक्स प्रोडक्ट ऑफ जेरोक्स यानी कि गुणनखंड यानी सम शून्यों का गुणनखंड। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू में हमने रख दिया है, मान रख दिया। यहाँ पर द्विघात बहुपद निकल चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल चुकी है, यह आपका आंसर हो गया। थैंक यू।